हर बार की तरह जय भाई साहब आज भी लेट हो चुके हैं। मतलब मैं अपने आप को क्यों बोल रहा हूँ यार, ये तो मैं खुद ही हूँ। सॉरी 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 सॉरी, मतलब आशिर सम्मो इस बार भी लेट ही हो चुके हैं। मतलब जो नहीं होना चाहिए था इस दिन, ईद के दिन आप लेट हो गए। मैंने सोचा कि मैं बस लेट जाता हूँ थोड़ी देर, क्योंकि मैं एडिट करके मेरी कमर में बहुत दर्द हो गया था। मैंने बोला लेट जाता हूँ, मेरी आँख लग गई और मुझे पता ही नहीं चला। और जब मेरी आँख खुली तो मैं डर गया। मैंने बोला मुझे बस पापा डांटे नहीं। फिर जब टाइम देखा तो पता चला कि 10 मिनट्स में मैं रेडी हो जाऊँगा। तो खैर अभी रेडी होते हैं हम लोग फटाफट से। सो वेलकम बैक टू द माय न्यू व्लॉग। जाने माता आपने उठा ली है सारी बेटा, चलो बहुत लेट हो गए जितना लाइट होने की। अल्लाह हाफिज़ मेरा बेटा। फाइनली इतना ढूंढने के बाद हमें एक मस्जिद मिली जहाँ 7 o'clock पर नमाज थी। और बस मैं यही दुआएं कर रहा था कि मस्जिद मिल जाए, वरना मेरी माँ आज पक्की थी। तो खैर मस्जिद तो मिल गई और अब हम नमाज पढ़ते हैं और इसके बाद आपसे मिलते हैं। ईद मुबारक। मैंने पहले से ही तस्वीर कर ली है। अरे अबू ताबिश रोकी बॉय। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। इसके लिए नीचे मतलब फिर दोनों रुपये में नहीं है, 4 बार मिलना है मेरा बच्चा। ईद मुबारक। और हाँ ये बात मैं पहले से बता दूं कि हम लोग नीचे ही मिल चुके थे, क्योंकि मैंने नीचे नहीं बनाई। अभी तो हम लोग पीछे ही पहले मिल चुके थे, नीचे से नहीं मिले क्योंकि रेस्टोरेंट ज़्यादा चुनाव भी था कुछ भी नहीं, इस वजह से मैंने बोला कि अच्छा नहीं लगता सबके सामने बनाना। और हाँ सबसे पहले आप लोग को भी बहुत 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 ईद मुबारक। और दूसरी बात यह कि इस माह रमज़ान बरकत में मतलब कि जो इस दुनिया से इस माह रमज़ान में जो इस दुनिया से चले गए, अल्लाह उससे जन्नत और फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अभी दूसरी बात ये कि मतलब कि कोई अपने से छोड़ गए हैं तो उनको अल्लाह सब्र दे, और बस सब्र दे और बस सब्र करते रहें और दुआएं करते रहें। और मैं तो हमेशा दुआएं करता हूँ, जाहिर सी बात है मैंने हम सब के लिए दुआएं किए। खैर मैं अपने दुश्मनों से भी के लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरे दुश्मनों को हिदायत दे और सही दे। खैर दुश्मन तो दे नहीं, बट एक बात पता नहीं कर रहा हूँ कि आपको ये पता चले कि बस सबके लिए दुआ मांगे, ना किसी से कम ना किसी से ज़्यादा। ये ज़्यादा हो गया आज का दिन, इन्जॉय कीजिए और सबके साथ मिल के रहिए क्योंकि ये दिन बार बार नहीं आता। इन्जॉय द डे। हमारी दीदी पहले हमको छोटों को दी। अच्छा दो छोटों को पहले। ये कितने 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 ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। आप पकड़ो आप पकड़ो। कितने अच्छा, इसको और कितने और क्यों? ये गलत है पापा, ये गलत है आप। और भी। पापा ये गलत है पापा, ये नहीं होना चाहिए पापा। अच्छा गलत है, ये गलत है। आप लोगों का हम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए, हम लोग कल ले लेंगे। वो कल जाएंगे ना दादी और अम्मा वालों के पास, सब एक साथ लेके सही। अब्दुल राफे आप कल लेंगी और आते साथ हमने मोबाइल उठा लिए हैं।
अरे वो नहीं खाएंगे हम लोग मीठा जो हम लोग हर साल खाते हैं, उसके बगैर तो मैं कहता हूँ ईद ही नहीं है। मतलब सबकी ईद इनकम्प्लीट है, जिसके लिए हम लोग इतना रुले थे पिछले ब्लॉग में जाके देखे हम लोग कितना रुले थे। शुक्र मिल गई कि इसके बगैर तो हमारी ईद इनकम्प्लीट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि हम लोग नमाज पढ़ते हैं और सबसे मिलते हैं, फिर सब बड़ों को कॉल करते हैं, जो हमारे बड़े हैं जो भी है हर कोई उन सबको कॉल करते हैं। फिर हम लोग एक तो फिर हम लोग इस ईद में हम लोग खाते हैं मीठा, मतलब वही सेवैया और पाए, ये हमारे तो लास्ट नहीं होते ईद के। और अम्मी कहाँ है हमारी सेवैया? ला रही है ना, लाओ मक्खन। अम्मी ने डाल दिया, डाल दिया। चेक करते हैं कि है कितना। अच्छा ही होगा यार टेस्ट। जैसे मैं मीठा पता है खाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ इस दिन आज के लिए ना मैं मीठा खा रहा हूँ, आज के दिन बस, इसके अलावा मैं मीठा नहीं खाता बिल्कुल भी। नहीं खाते मैं यार, मैं खाता हूँ रोज। अब खाता मैं नहीं खाता ना, आपको पसंद है। एंड अभी हम लोग पहले खाते हैं सेवैया वगैरह, फिर देखते हैं आज के क्या सीन है, या फिर सोने का सीन है वही, मैं नहीं सोऊंगा क्योंकि रमजान की रूटीन लग गई हम लोगों को कि बस 7 बजे सोना और 5 बजे उठना। अगर अभी हम लोग सोए तो 5 बजे उठेंगे, पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा, मगर ये खाने के बाद सोचेंगे बस। पापा आपने बताया नहीं हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। अच्छा तो मैं बता दूँ इन्हें प्रूफ, पर कैसे बताऊँ आपको बताए, सबसे अलग, अभी आप जाके देखें। अब हम जा रहे हैं उनसे मिलने, जिनसे मिले बगैर हमारी ईद बिल्कुल अधूरी है। तो वो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द फैमिली मेम्बर, मैं दादू एंड दादी जान। तो बस अभी हम जाते हैं मिलने दादू और दादी के पास, फिर आपसे मिलते हैं। फाइनली हम लोगों ने अम्मा से भी ईद मिल ली थी, तो अम्मा ईद मुबारक और हमारी खर्ची हमारी ईदी नहीं डालना क्यों भाई, हमारी ईदी क्या है, ईदी कब मिलेगी अम्मा, ईदी भी हमारी ईदी कल 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 सबको कट के सबको एक साल मिलेगी, क्योंकि कल आने वाले हैं सब के पूरे फैमिली को आएगी, फिर चाची वगैरह। कल इंशाल्लाह बहुत अच्छा दिन होगा, कल सब यहाँ पे आएंगे, क्योंकि हमारा ये रूल है कि फर्स्ट डे में हम लोग सब फुप्पो के घर चुप पहले सब मुझे बात कर लेते हैं। मोहम्मद हसन जी मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। कैसे हो आप, बोलो इनको ईद मुबारक, सबको बोलो बोलो ईद मुबारक। तो हमारा ये रूल है कि फर्स्ट ईद को हम लोग सबसे पहले जाते हैं फुप्पो वगैरह से मिलने, फुप्पो वगैरह से मिलने, बड़ों से मिलने, क्योंकि बड़ों के मिलने से ना मिले तो उनके बगैर हमारी ईद बहुत इनकम्प्लीट है। और जो लोग आपस में भी नाराज़ है कोई भी, उनसे भी आप लोग जाके ईद मिले। अल्लाह हाफिज। सही है, मैं आपको आपकी ईदी कल दूँ, कल दूँ आपकी ईदी। सही है, अब घर जाते कल तो मैं आऊँगा ना, आपको आपकी ईदी मिल जाएगी। लाइक नहीं करूँगा तो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, दरवाज़ा बंद कर लो। फाइनली सबसे ईद मिल ली और अब लग रही है कि ईद हुई है, क्योंकि सबसे मिल लिया ना तब लग रही है कि हाँ यार वाकई ये होती है ईद। बस अभी पहले फटाफट घर चलते हैं, कल तो ऐसे में भी हम लोग आएंगे। अभी लगी है भूख, चल के खाना खाते हैं, सिंगर खाएंगे ना सिंगर, कुछ खाने चलते हैं ना। मतलब आपको जो स्पाइसी और कुछ हैवी के अलावा आपको कुछ सूझता है तो पहले चलते हैं अपने कुछ, और जिस तरह मैं दिखाते हुए हूँ पिछली वीडियो उसी तरह ये भी वीडियो देखो और इंजॉय करो। फिर हम गए कलेजी खाने, क्योंकि पेट में ऐसे चूहे दौड़ रहे थे ना जैसे रोमन रेंस और जॉन सीना अंदर फाइट कर रहे हैं।
मुझे देख के इतनी भूख लगी और ऊपर से जो खुशबू थी, बस क्या बताऊँ मैं आपको, मज़ा ही आ गया। और उसके साथ डबल रोटी गरम गरम गरम, क्योंकि मैं हैवी इतना नहीं खाता, इस वजह से मैंने मना किया पापा को कि मुझे हैवी नहीं खाना, मुझे आज कलेजी खानी है, क्योंकि मुझे आज है दिल कलेजी का। और बस अभी जल्दी जल्दी बनाए क्योंकि लगी है बहुत तेज़ भूख। और फाइनली यहाँ पर आ गई हमारी कलेजी, और बस जल्दी जल्दी हम लोग कलेजी खाते हैं। और मेरी प्लेट अब तक नहीं आई, नहीं ये तो मोहम्मद ताबिश की है, आई मीन क्रोकी बॉय की, तो मेरी कब आएगी? आ गई मेरी प्लेट भी आ गई, तो अभी टेस्ट करते हैं और आपको टेस्ट भी बताते हैं इसका। सबर एक ओहो, इसका टेस्ट बहुत है गुड एंड वेल, और ये यहाँ की सबसे मशहूर है। और मिर्ची भी थी यार, मिर्ची थी सबसे गलत, मिर्ची बहुत थी और अच्छी भी थी नो डाउट। पर फिर हमने क्या किया आपको पता है, मिर्ची के बाद, और बहुत मिर्ची भी थी, मुझे बहुत मिर्ची लग रही थी, फिर मैंने एक काम किया, स्टिंग मंगवा दी। और स्टिंग जब मेरे गले से उतरी तो मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे जो सुकून मिला, बहुत मिर्ची थी। अब पापा घर चले, पापा बहुत मिर्ची थी वैसे यार, पापा भी ऐसे रहते। और फिर हम हुए घर के लिए रवाना, और जब हम निकले तो मुझे याद आया कि मैंने आपको एक चीज़ बताई नहीं, वो चीज़ ये है कि मैंने आपको अब्बू से मिला, वो मैंने आपको क्लिप नहीं दिखाई, क्यों नहीं दिखाई, क्योंकि मैं अब्बू से रोड में मिला, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रोड में सब होते हैं, क्राउड होती है, तो इस वजह से मैंने वो वीडियो नहीं बनाई, तो बस मैं यही कह रहा था। और मज़ा आया, बहुत आया, और आपको भी आया होगा इतना मुझे यकीन है। और ऊपर से ये ट्रैफिक, हाय अल्लाह, खैर कोई नहीं, तो बस जल्दी जल्दी करके एक तेज़ से करके हम लोग अल आखिर अपने घर पहुंच ही गए। नहीं, नमाज पढ़ने गए थे। नहीं दुआ लेकर मैं कुछ भी नहीं कहूँ। अब मैंने उससे बोला कि हम लोग जा रहे हैं नमाज पढ़ने, आपको कल ले जाएंगे। फाइनली फिर घर हम पहुंच ही गए, और घर आके जो सुकून मिला है मैं बता नहीं सकता, कि बस मैंने घड़ी उतारी और बस मैं लेट गया, और जो मुझे सुकून मिला और जो मुझे नींद आ रही थी, मैंने सोचा कि मैं सो जाऊं, पलंग में लेटा और मुझे नींद आई। पर फिर मैंने सोचा नहीं, अभी नहीं सोना, क्योंकि व्लॉग एंड भी करना है और फिर एडिट भी करना है, तो फिर आप अभी नहीं सोएं, बाद में सोएं। क्यों सपोर्ट करते हो यार आपकी, अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे ना तो मैं मेहनत नहीं कर पाऊँगा, फिर मेरा दिल नहीं होगा कि यार आप सपोर्ट नहीं कर रहे तो मैं कैसे करूँ। आपका सपोर्ट करना लाजमी है, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपकी वजह से शायद मैं थोड़ा और अच्छे कंटेंट लाऊं और बहुत सी अच्छी ब्लॉगिंग करता रहूं, ऐसी अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग करता रहूं। बस आप भी कुछ बोल दें तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। कुछ बोल दे इस चीज़ के बारे में, ईद मुबारक, आपने भी बनाया मुझे मुबारक बोला है ना घर वालों, ईद मुबारक सब व्यूअर्स को मेरी तरफ से। और आप कुछ बोलना चाहेंगे क्रोकी बॉय? सवाल बस क्या है, जवाब क्या है, यही मैं कह रहा हूँ, हंसते मुस्कुराते रहें, बस जैसे हम में और आप जैसे हैं, फैमिली ब्लॉगिंग आते रहेंगे, आपके बाद अच्छे अच्छे ब्लॉग आते रहेंगे, बस
है, इस लोग को करते हैं हमें यही करिए। अगर पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है, बहुत सोच ये लोग एडिट करने में ना समझे उनको 5 घंटे से ज़्यादा लगेंगे। अगर नहीं भी पसंद है फिर भी पसंद करें, फिर भी पसंद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है, सीरियसली बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि ये लोग। और हाँ यही बताओ, अगर आपको ये लोग अच्छा लगा ना, जिस तरीके से मैंने आपको सिनेमेटिक्स दिखाए, सिनेमेटिक्स आपसे मैंने बातें की है, और जिस तरह मैंने आपको सब चीज़ें दिखाई है, कुछ अलग दिखाया, कुछ नया दिखाया, चलो कम करते हैं यहीं पे रहें, सब एक साथ बोलेंगे टू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ओके, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो अब मिलेंगे आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। We'll be right back.